ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो तैयार ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले। हुनर को बखूबी प्रैक्टिस किया जाता है और वक्त के साथ साथ वो मुकम्मल होता है। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और NSDC। सिद्धार्थ जी एक बात बताइए, क्या आपको कभी स्कूल में डांट पड़ी है? हाँ, डांट पड़ी है जी। अच्छा, लेकिन ऐसी वैसी मुझे छोटी मोटी चीजें की वजह से। अच्छा, पर ऐसी कौन सी चीज है? अच्छा, जिस पर डांट पड़ी है वो खासतौर आप जानना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बहुत जबरदस्त बात नहीं थी, इतनी बातों की वजह से और क्या। अच्छा, तब तो आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा भी होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सीखा, मार भी अच्छी पड़ी, सिर्फ सीखा, मगर मुझे ऐसे लगा कि वो मिस्टेक्स पर मुझे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी, क्योंकि उन दिनों मैं तो थोड़ा लापरवाह था। मिस्टेक लापरवाही की वजह से जो होती है वो गलत है, पर कुछ नया करने की चाह मैं, आपसे गलती हो या फिर नाकामयाबी हाथ लगे तो वो एक मौका है अपनी गलतियों से सीखने का, है कि नहीं? बिल्कुल, क्या बात कही आपने सिद्धार्थ जी। जिंदगी में नाकामयाबी या फेलियर आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। इनफैक्ट लाइट बल्ब और मोशन कैमरा के इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने नाकामयाबी के बारे में ये कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जिनसे लाइट बल्ब नहीं बनता। वाह, क्या इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने दिया रेणुका जी, और इसी सोच ने उनके जिंदगी में आने वाली हर नाकामयाबी को उनके कामयाबी के रास्ते का मील का पत्थर बना दिया। बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है सच गलतियों से डरना नहीं चाहिए, कुछ अलग पाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। और मैं तो अब ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जब हाथों में हुनर हो तो गलतियों से उभरने की राह भी जरूर मिलती है। आज के एपिसोड में होगी बात वोकेशनल ट्रेनिंग के महाकुंभ कहे जाने वाले वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन की, और साथ ही जानेंगे कौन सा हुनरबाज कर सकता है वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन की ज्वेलरी मेकिंग में भारत का प्रतिनिधित्व। मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर शाहीन अब्बास से जानिए सफलता के मंत्र। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको वो एक वो जोश होना चाहिए। और होगी हीरे को पहचानने की रोमांचक हुनर की बाजी। प्रिंसी, आज की डेट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, और गारंटी है तो सिर्फ इस बात की कि इसमें कोई गारंटी नहीं है। You're right. लेकिन सनी, ये बात हर चीज पे लागू नहीं होती। तुम किस बात की बात कर रही हो प्रिंसी? मैं हीरे की बात कर रही हूँ। यू नो सनी, हीरा एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए आपके साथ होता है, और जिस इंसान के पास होता है चमक ही बदल जाती है उस इंसान की। बिल्कुल। अच्छा, तभी तुम आज इतने चमक रहे हो। प्रिंसी, मैं तो स्टार हूँ यार, मैं तो हमेशा ही चमकता रहता हूँ। वैसे ऐसी चमक होगी हीरो को तराशने वाले हुनरमंदों की भी। राइट, एक छोटे से हीरे के पीछे बड़े स्किल की जरूरत होती है, और आज के हमारे इस एपिसोड में हम इस जरूरत, स्किल और इस इंडस्ट्री की और चीजों से भी रूबरू होंगे। कहते हैं सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, पर जब बात आभूषण यानी ज्वेलरी की हो तो ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी सुंदर बनाने का काम करती है। इसी वजह से दुनिया के लग्जरी सेगमेंट के 50% हिस्से पर ज्वेलरी सेक्टर का ही राज है। हमारे देश में मोहनजोदारो, हड़प्पा से लेकर मुगल काल तक आभूषण के बिना श्रृंगार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने का एक अर्थ था यहाँ के हीरे मोती, सोने चांदी के बने आभूषण। और जब वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में NSDC ने हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने की ठानी
तब जेम्स एंड ज्वेलरी ही ऐसा सेक्टर था जहां हमें मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। हिंदुस्तान के हीरे सारी दुनिया में प्राचीन काल से मशहूर रहे हैं और आज भी ये परंपरा जारी है। चीन, हांगकांग के साथ ही मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट तथा यूएस और कनाडा आभूषणों के नए मार्केट बनकर उभरे हैं और समय के साथ बढ़ते बढ़ते आज ये इंडस्ट्री 6000 करोड़ रुपए से आगे बढ़ गई है। हुनर और हीरे की एक खास बात होती है, जब तक तराशा न जाए उसकी चमक दिखाई नहीं देती, और हमारे देश में हुनरमंदों और हीरे की परख करने वाले जौहरियों की कोई कमी नहीं। ये इंडस्ट्री पहले ज्यादातर लेबर इंटेंसिव थी, हम लेबर का काम ज्यादा कर रहे थे। अभी जाके हम बड़े डायमंड्स भी, वैल्यू एडिशन भी करने लगे। पिछले 10 साल में हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी डेवलपमेंट देखा है। कभी छोटे छोटे हीरों की कटिंग करने वाले हमारे देश के जौहरी आज बड़े हीरों को भी तराशने का काम करने लगे हैं, जिसके लिए ज्यादा स्किल की जरूरत होती है और इस काम की वैल्यू भी बढ़ी है। हीरे के इस कारोबार में आप अगर ट्रेनिंग लेकर आए तो आपकी पार की नजर दुनिया बदल सकती है। हीरा परखने के इस काम में हीरे की क्वालिटी, शेप, कलर और फिर उसके कैरेट्स का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और हीरे को ग्रेड किया जाता है। एक बार हीरे की परख हो जाने के बाद हीरा जाता है कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, जहां उसे 28 अलग अलग तरीके से तराशा जाता है। इंडिया में तभी एक्सपोर्ट हमारा करीबन 100 करोड़ का भी नहीं था और आज जाके डायमंड और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और इस प्रगति के साथ हुनरमंदों की जरूरत आसमान छूने वाली है। और ये भी अद्भुत है कि पूरी दुनिया में इस काम के शिल्पकारों का 94% हिस्सा भारतीयों का है, यानी हर 12 प्रोसेस्ड हीरो में से 11 हीरे भारतीय हुनरमंदों के हाथों से होकर गुजरते हैं। इन्हीं हुनरमंदों की एक जगह है गुजरात में स्थित सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लंबे वक्त से ट्रेडिशनल तरीके से कटिंग और पॉलिशिंग करने वाले कारीगर आज दुनिया की सबसे मॉडर्न और बेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, आज पूरे विश्व के नए डिजाइनर्स यहां के कारीगरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो दे रहा है इस सेक्टर को एक नई सोच, नई दिशा, और इसी वजह से रोजगार के भी बेशुमार अवसर मिल रहे हैं। एवरी ईयर वो स्किल्ड वर्कर्स कोई ना कोई रिटायर होता है और उसके सामने उतने नए स्किल वर्कर्स हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे। आगे जाके हमको ये स्किल वर्कर्स ट्रेन करने का इंडस्ट्री के पास एक चैलेंज है। इस कमी को पूरा करने के लिए डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी में फाउंडेशन से लेकर एडवांस कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसके लिए बेसिक योग्यता है 10वीं पास। इनमें से कुछ हैं डिजाइन मेकिंग, जिसमें हुनरमंद डिजाइनरों के बनाए हुए डिजाइन स्केच से ही सोने, चांदी या किसी दूसरे मेटल को मिलता है एक नायाब डिजाइन। मोल्डिंग, वैक्स ज्वेलरी, मोम ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक्सपर्ट मोल्डर्स की खासी जरूरत रहती है। डिजाइनर्स द्वारा बनाए हुए स्केच डिजाइन को प्रोफेशनल मोल्डर्स आभूषण का रूप देते हैं। पॉलिशिंग, किसी भी ज्वेलरी में असली जान डालती है उसकी चमक, और ज्वेलरी में चमक डालने का काम करते हैं पॉलिशर्स। और ऐसे ही हीरे को परखने के हुनर को सीखकर अपने जीवन को चमकाया विकास भल्ला ने। हुनर सीखा और कुछ ही महीने बाद जब सांगवी एक्सपोर्ट इंटरनेशनल की शुरुआत हुई, तब संजय की जिंदगी भी चल पड़ी। मैं सांगवी एक्सपोर्ट्स के लिए काम करता हूँ। ये कंपनी उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग में एकदम नई थी। मेरा भी करियर स्टार्ट हुआ और ये कंपनी का भी मैन्युफैक्चरिंग में करियर स्टार्ट हुआ। उस समय संजय की आमदनी कम थी, लेकिन हौसले बुलंद। मैं इस कंपनी में नया नया आया तो आप मानेंगे नहीं शायद कि यहाँ स्टाइफंड 800 से 1000 रुपये होता था। यहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा सीखने को मिला, इवन जो बाहर से फॉरेन से जो कंसल्टेंट आते हैं उनके साथ मेरे को काम करने को मिला, वो बहुत ही मेरे को हेल्पफुल हुआ, जिससे मैं साल बाय साल उसमें तरक्की करता गया। कंपनी के साथ साथ संजय की जिंदगी को भी एक नया आयाम मिला और इनकी जिंदगी भी किसी तराशे हुए हीरे की तरह जगमगा उठी। मेरे पास इस टाइम 500 आदमी काम मेरे नीचे करता है यहाँ पे, और मैं जो वर्ल्ड में बेस्ट कट बनता है उसके यूनिट से लेके 1 सेंट तक का हीरे का प्रोडक्शन मेरे अंडर है। ये मेरी मेहनत प्लस जो स्किल सीखा, थियोरेटिकली सीखा, प्रैक्टिकली सीखा, वो मेरा इतना मल्टीप्लाई होता गया कि मैं इस लेवल तक आ सकता। और हुनर की बदौलत ही आज अपनी कंपनी के हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉई हैं। भाई इसे कहते हैं हुनर की कद्र।
डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कोई क्लरिकल जॉब नहीं है। अगर आप जिंदगी में एक इस तरह का मुकाम पाना चाहते हैं कि जहाँ रोज आपको नया कुछ करने को मिले, तो यकीन मानिए इससे अच्छी कोई फील्ड नहीं है। कभी केवल 800 रुपए से करियर की शुरुआत करने वाले संजय की जिंदगी को हुनर ने ऐसा बदला कि समाज में भी उनका स्थान बढ़ गया और परिवार की भी उन्नति हो गई। हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। स्कूल में एग्जाम्स की ग्रेडिंग याद है आपको? मैं तो आज तक भूल ही नहीं पाई हूँ। कितनी टेंशन हो जाती है ग्रेडिंग और एग्जाम के नाम से। लेकिन इस टेंशन से सिर्फ मुझे ही नहीं गुजरना पड़ता है, बल्कि हीरे को भी गुजरना पड़ता है। कंफ्यूज्ड? आज के टास्क में पार्टिसिपेट करेंगी रेनु, संगीता, राजवीर, श्वेता, अजमिन और इस टास्क की मेंटर है देविका, जो कि आईडीआई में डायमंड ग्रेडिंग की फैकल्टी है। आज के टास्क में क्वालिटी के आधार पर डायमंड को ग्रेड करना होगा, जिसके पैरामीटर होंगे डायमंड की फिनिशिंग यानी डायमंड कटिंग, कलर ग्रेडिंग यानी डायमंड कितना ज्यादा वाइट है और पॉलिशिंग, और समय सीमा है 30 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कॉम्पिटिशन। टास्क शुरू हो चुका है, जहाँ सभी कंटेस्टेंट्स को 1 कैरेट के डायमंड को चेक करना होगा, जिसके लिए बहुत बारीक नजर होने के साथ साथ एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। रेनू जी इस वक्त क्या कर रही हैं? रेनू जी फिलहाल इंक्लूजन्स देख रही हैं, स्टोन के अंदर क्या क्या खामियां हैं। ये जो यहाँ रेड मार्क है, ये उन्होंने इंक्लूजन चेक करके प्लॉटिंग मार्क की है, राइट? प्लॉटिंग यानी डायमंड में कहां किस तरह की कमी है, संगीता ने उसे मार्क किया है। राजवी फिलहाल पॉलिश ऑब्जर्व कर रही है डायमंड का। ओके। ऐसा लगता है कि अजमी इस समय सबसे आगे चल रही हैं। आजमीन अपने हीरे की इंक्लूजन और पॉलिशिंग चेक कर चुकी हैं, और वहीं राजवीर भी करीब करीब अजमीन के साथ ही हैं, जबकि श्वेता कलर परख रही हैं। आजमीन इस वक्त आप क्या कर रही हैं? कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग के बारे में बताइए हमें। व्हाट कैन सी इन हर हैंड, चार्ट पेपर होता है वाइट कलर का, और उसके अंदर जो डायमंड है, अब उसका आप कंपैरेटिवली देखो तो उसमें हल्की सी शेड दिख रही है आपको, येलो प्योर वाइट। तो इस तरीके से हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। यहाँ डायमंड में हल्का सा ब्लू शेड दिख रहा है, यानी ये डायमंड प्योर व्हाइट नहीं है, जिससे इस तरह के डायमंड्स की कीमत थोड़ी कम आंकी जाती है और इसे कलर ग्रेडिंग कहा जाता है। लास्ट 5 मिनट्स दिए जाते हैं टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। अब 5 मिनट का टाइम ही शेष है, देखते हैं टास्क कंप्लीट करके कौन विजेता बनता है। आपको क्या लगता है इस चैलेंज के बारे में? I think Rajvi will win. Rajvi will win? Okay. I think Shweta will win. Shweta will win. आपको क्या लगता है? संगीता। रेनू जी कहाँ पहुंची हैं आप? Almost done. और आखिर के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। जो समय आपको दिया गया था 30 मिनट का, वो अब खत्म होता है। और अब बारी है जजमेंट की। आईडीआई के डिप्टी डायरेक्टर अनिमेश शर्मा देख रहे हैं सबके टास्क को, किसने क्या गलती की है। तो अब बारी है ये जानने की कि कौन बनता है इस कंपटीशन का सबसे बड़ा हुनरबाज। अनिमेश जी प्लीज अनाउंस कीजिए। द विनर इज संगीता। डायमंड ग्रेडिंग की हमारी कसौटी पर खरी उतरी संगीता जी। अब आपके लिए अगला पायदान है NSDC द्वारा आयोजित स्किल कंपटीशन का हिस्सा बन जल्द ही वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में अपने हुनर का परचम लहराने का।